inside a rucksack. I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why you like it. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ शाहिद हसन। आप देख रहे हैं शेरी गुजराती यूट्यूब चैनल। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं और मेरा छोटा भाई उसामा हम पानी लेने आए हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं और उसामा हम पानी लेने आए हैं नहर से। ये हमारी नहर है जनाब, आप पीछे मेरे देख सकते हैं। और उसामा भाई पानी भर रहे हैं। उसामा भाई, उसामा भाई क्या हाल है, ठीक हो? उसामा भाई जनाब पानी भर रहे हैं। उसामा भाई ने पानी भर के दुकान पे निकल जाना है। तो मैं भी सोच रहा था आज इनके साथ ही चलते हैं। और ये पीछे हमारी नहर, ये जो रोड है ये बन रहा है, ये जनाब बनेगा यहाँ अतोवाल से लेके सरस मोड़ तक बनेगा रोड। और सरस मोड़ पर जाके मेरे ख्याल से ये फ्लाई ओवर बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत रोड बना रहे हैं जनाब। कारपेट रोड बन रहा है, मैं आपको इसका दिखाता हूँ ये कैसा रोड बना रहे हैं जनाब। तो चलिए आपको मैं इसका व्यू दिखाता हूँ, ये रोड कैसा बन रहा है और कहाँ तक अभी बना है ये। ओके, तो लीजिए जनाब, ये हमारा रोड जो है वो बन रहा है नहर काचकोड़ी बिलवाल से लेके ये डल तक। मैं आपको सैर कराने जा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं ये भी इसका काम बहुत ही तेज़ी से जारी है। एंड आप देख सकते हैं सामने ये ट्रैक्टर आ रहा है। तो ये भी रोड का जो लेवल है वो चेक कर रहे हैं। एंड उसके बाद बाकी आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि गुजरात की तारीख में सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये रोड का है। तो ये कारपेट रोड बनेगा जनाब डबल साइड पे, ठीक है, टू वेज होगा और बहुत ही वीआईपी रोड होगा। तो सबसे शॉर्टकट रास्ता जो बनेगा वो ये बना ये रास्ता होगा, क्योंकि डिंगा से गुजरात तक जो शॉर्टकट रास्ता है वो जनाब ये रोड होगा। और इंशाल्लाह कुछ ही मंथ में, आई थिंक सो के इसको एक साल भी लग सकता है। तो जी, तो गाइस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारा जो रोड बन चुका है वो कैसा बना है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे टोटल 2 से 3 मिनट चाहिए। तो तब तक मैं आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ। हम पहले पहले इधर आया करते थे नहर पे भागने के लिए सुबह सुबह के टाइम। तो अभी काफ़ी आलसी बन गया हूँ, अभी ना उठने होता है ना आँख खुलती है, आपको पता ही तो है कि सुबह उठने को दिल नहीं करता, बहुत प्यारी नींद आती है। तो अभी सुबह सुबह उसामा ने मुझे उठाया, तो मैं और उसामा पानी लेने आए हैं। उसामा उधर पानी भर रहा है, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना कि वीडियो बना ली जाए। तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी मैं आपको जनाब ऑलमोस्ट दिखाने जा रहा हूँ हमारा जो अब तक का रोड तैयार हो चुका है वो कैसा तैयार हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ जनाब। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way and I'm always lost. जी तो गाइस, ये है वो रोड जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, जिसका मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा नहर वाला रोड जो है वो बन रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी तक काम जो है वो जारी है। अभी ये इन्होंने इसको जो है ना वो सीधा ही किया है, यानी कि इसके ऊपर ये पत्थर वगैरह डाल के ऊपर वो केरी वगैरह डाली है। और अभी तक ये इन्होंने फाइनल नहीं किया, बाकी ये बना रहे हैं। बनाया इन्होंने जनाब ठटापोड़ तक है। तो अब ठटापोड़ से लेके चकोड़ी बिलोवाल आगे दुपसड़ी एंड डल बंगेश तक, ये डल की जो नहर वह है वहाँ तक ये बनेगा। तो ये जनाब बहुत ही वीआईपी रोड है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी के अभी तक फुल रोड जो है वो तैयार नहीं हुआ। तो फुल रोड
जब तैयार होगा तो फिर मैं आपको इसका विज़िट करवाऊंगा। और इसका ये बेनिफिट हमें ये हो गया क्योंकि जो बड़ी गाड़ियां हैं, ट्रक वगैरह हैं, उनके लिए ये शॉर्टकट रास्ता है जनाब। तो जो दरमियान वाला रोड है हमारा डिंगा गुजरात रोड, तो उसमें जो ट्रैफिक है वो भी कम हो जाएगी, ज़्यादा ट्रैफिक सारी इस पे आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं जनाब ये कितना ही प्यारा इन्होंने रोड बनाया है। अभी तक ये फ़ाइनल नहीं हुआ, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये अभी तक फ़ाइनल इन्होंने नहीं किया क्योंकि अभी ये जो है ना आगे पूरा रोड जो है वो तैयार करेंगे। तैयार करके फिर जो दूसरी पार्टी आएगी वो इसके ऊपर ये अपनी लाइनें वगैरह लगाएगी, बार्डर वगैरह जो होंगे वो इसके लगाएंगे, साइन बोर्ड वगैरह अभी तक इसमें लगेंगे। इसके दरमियान में जो है ना वो फुटपाथ बनेगा, तो दरमियान में फुटपाथ की जगह भी इन्होंने रखी है और नहर की साइड पे जाली भी लगेगी ताकि खुदा ना हादसा, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाता है तो हादसा होने वाले जो अफराद हैं वो महफूज रहें, नहर में ना गिरें। क्योंकि लास्ट टाइम हमारे इधर एक एक्सीडेंट हुआ था तो जिसमें 4 से 5 लोगों की डेथ हो गई थी, रात के टाइम पे गाड़ी जो है वो नहर में गिर गई थी तो पता नहीं चला था। तो जनाब ये मैंने यू टर्न ले लिया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो यू टर्न लेते वक्त कुछ बातों का ख्याल रखिए, आगे पीछे देख के कोई गाड़ी आ रही हो तो देख के यू टर्न लीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जनाब दुकान पे जाने की तैयारी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, ये जनाब मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान भट साहब, ये दुबई से आए हैं, अहमदाबाद से। कहाँ से आए हैं जनाब आप? से आप कहाँ से आए हैं भट जी? मैं पाकिस्तान से ही। नहीं नहीं, नहीं किधर से आए हैं आप? आया तो थे भाई। ये जनाब गाड़ियों के बहुत अच्छे मैकेनिक हैं और गाड़ी ठीक है, छोटी मोटी गाड़ी है जी। हाँ जी, ये जो है ना कार वगैरह जो है ना वो उनकी रिपेयरिंग करते हैं, एसी वगैरह का काम होते कर लेते हैं जी। ये अभी पता नहीं किसकी गाड़ी खराब करके आए हैं, अपना मोटरसाइकिल सही करने लगे हैं जी। जनाब जी, तो जनाब मैं जा रहा हूँ अभी दुकान पे, तो आप देख सकते हैं मैं बाइक पे हूँ एंड उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त जनाब शाहज़ेब हसन और आप देख रहे हैं शेज़ी गुजराती यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। Thank you.